हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है द जॉय ऑफ राइडिंग में। और आज कंपैरिजन करेंगे होंडा सीवी यूनिकॉर्न 150 एंड सीवी यूनिकॉर्न 160 मॉडल का। यूनिकॉर्न 160 यूनिकॉर्न 150 का अपग्रेड मॉडल है। एंड यूनिकॉर्न 150 फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2004 में, एंड उसके बाद कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद कंपनी ने यूनिकॉर्न 160 को लॉन्च किया है, लेकिन कंपनी ने फिर से 2016 में इसको मतलब यूनिकॉर्न 150 को फिर से लॉन्च किया है, क्योंकि इसके मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों गाड़ी में, और फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा गाड़ी बेहतर है आपके लिए। तो पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। यूनिकॉर्न 150 149.2 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है, एंड यूनिकॉर्न 160 162.71 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है। और यूनिकॉर्न 150 का मैक्सिमम पावर है 12.73 पीएस एट 8000 आरपीएम, एंड टॉर्क है 12.8 न्यूटन मीटर एट 5500 आरपीएम। एंड यूनिकॉर्न 160 का है पावर है 13.82 पी एस एट 8000 आर पी एम, एंड टॉर्क है 13.92 न्यूटन मीटर एट 6000 आर पी एम। इंजन पावर एंड टॉर्क ऑब्वियसली यूनिकॉर्न 160 में ज़्यादा है, लेकिन दोनों गाड़ी का इंजन सुपर रिफाइन है और वाइब्रेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो यूनिकॉर्न 150 का एक ही मॉडल मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट में सिर्फ डिस्क दिया गया है। और यूनिकॉर्न 160 का दो मॉडल है, एक है स्टैंडर्ड मॉडल जिसमें आपको फ्रंट डिस्क मिलेगा, और दूसरा है CBS मॉडल जिसमें आपको फ्रंट डिस्क के साथ CBS सिस्टम दिया गया है। और दोनों कार का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप यूनिकॉर्न 160 का CBS मॉडल लेंगे तो आपको थोड़ा ब्रेकिंग सिस्टम बेटर मिलेगा, अदरवाइज सेम है। एंड इसका जो फ्रंट जो डिस्क है उसका जो डायमीटर है 240 mm है, दोनों का सेम है। टायर्स के मामले में यूनिकॉर्न 160 बेटर है, क्योंकि यूनिकॉर्न 160 में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, एंड यूनिकॉर्न 150 में आपको ट्यूब टाइप टायर दिया गया है, मतलब उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। और यूनिकॉर्न 160 का जो रियर टायर सेक्शन है ये है 110/80 का है, और रिम साइज़ है 17 इंच का। एंड जो यूनिकॉर्न 150 का टायर सेक्शन है रेयर में 100/90 का है, और रिम साइज़ है 18 इंच का। और दोनों का जो फ्रंट टायर सेक्शन है दोनों सेम ही है, 80/100 का फ्रंट टायर सेक्शन आपको इसमें दिया गया है। और अब फीचर्स के बारे में बात करें तो यूनिकॉर्न 160 भी इसमें आपको बेटर ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यूनिकॉर्न 160 में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, और इसके साथ आपको इसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी मिलेगा। बट यूनिकॉर्न 150 में जस्ट आपको फुल एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, और इसमें आपको जो बैटरी है ये नॉन मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। और इसका जो स्विच देखेंगे दोनों का, इससे यूनिकॉर्न 150 का जो स्विच है ये क्वालिटी बेटर है यूनिकॉर्न 160 से। और यूनिकॉर्न 160 का जो स्विच वगैरह देंगे उसका जो क्वालिटी थोड़ा चीप दिखता है यूनिकॉर्न 150 से आप कंपेयर करेंगे। तो यूनिकॉर्न 150 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत अच्छा है, ये 179 mm का दिया गया है, और यूनिकॉर्न 160 में आपको 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और यूनिकॉर्न 150 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर का है, और इसमें आपको सिंगल गियर लीवर मिलता है। और यूनिकॉर्न 160 में आप देखेंगे तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, और इसका जो गियर लीवर है ये ड्यूअल गियर लीवर है। और दोनों गाड़ी का वेट
के हिसाब से यूनिकॉर्न 150 का वेट बहुत ही ज़्यादा है, ये 145 केजी का है और यूनिकॉर्न 160 का वेट है 134 केजी का, तो थोड़ा हेवी वेट है यूनिकॉर्न 150 का। लास्ट में थोड़ा बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस मनी आपको कोलकाता में पे करना पड़ेगा, एक शोरूम प्राइस है 73,139 यूनिकॉर्न 150 के लिए, और यूनिकॉर्न 160 में देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड के लिए पे करना पड़ेगा 75,448 एंड CBS का प्राइस है 77,882। सो तकरीबन 2,000 से 5,000 का डिफरेंस है यूनिकॉर्न 150 से। सो गाइज आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए, और डिफरेंसेस तो मैंने बता दिया है कौन सा गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है वो आप चूज़ कर लीजिए। सो गाइज अब तक के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।